दोस्तों, क्या हाल है आपका। आज हमने मैच देखा है नेपाल ए और आयरलैंड फुल्स के दरमियान। आयरलैंड जो बहुत ही एक अच्छी टीम है और उसके खिलाफ नेपाल की टीम है, और ये सिर्फ एक वार्म अप टाइप मैच था। सिर्फ आयरलैंड ए का मैच था और नेपाल जोंस ए ही थी और आयरलैंड फुल्स थे। उसके साथ इस मैच में आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 223 रन स्कोर किए थे, और जवाब में लुकेश बाम नेपाल के ओपनर हैं, उन्होंने 106 रन स्कोर किए 56 बॉल्स पे। उसके बाद आरिफ हैं जिन्होंने नीचे से 49 रन स्कोर किए 26 बॉल पे, और एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि नेपाल ये स्कोर चीज करने जा रही है। लास्ट 24 बॉल पे सिर्फ 34 या 35 रन रह गए थे, लेकिन जब ही लोकेश पाम की विकेट गिरी उसके साथ ही पत्तों की तरह बिखर गई नेपाल की टीम। जब से ये अहमद मेरे साथ मैच देखने आया है, नेपाल की टीम का बेड़ा गर्क हो गया था उसके बाद, तो ये सिर्फ अहमद की वजह से हुआ है। तो एक और बात करनी है कि नेपाल की जो टीम है ये इसकी फैन बेस बहुत अच्छा तगड़ी है। अफगानिस्तान और नेपाल दोनों इमर्जिंग टीम है एशिया की। उसके बाद अब लेकिन अफगानिस्तान की भी फैन बेस अच्छी है, नेपाल की तो बहुत ही कमाल की फैन बेस है। मैंने देखा है लोग जौन से हैं स्टेडियम के दरख्तों में चढ़ के मैच देखते हैं यार, और इतनी फैन बेस इतने क्रेज के साथ नेपाल की टीम बहुत अच्छा करेगी, बहुत ऊपर आएगी। आज के बाद हम भी जौन से नेपाल के जो मिचन मिचन मैच होंगे या जो भी मैच होंगे, नेपाल की टीम को वर्ल्ड कप में भी देखा जाएगा, वर्ल्ड कप में किस तरह परफॉर्म करती है, और उसके साथ जो मिचन मिचन मैच होंगे नेपाल की टीम के वो भी हम देखे करेंगे, यहाँ पे अपनी लाइव आए करेंगे। तो दोस्तों से ये है कि हमारे हमें सब्सक्राइब करें और साथ साथ हम भी नेपाल की क्रिकेट को आगे उठाएंगे, ठीक है। यस।